दरअसल जी आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ऐतिहासिक निर्णय लिया गया बेटियों के साथ और बालिकाओं के साथ विशेष दुष्कर्म करने वालों को सजाए मौत होगी। भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा कड़ा कानून बनाने वाले हमारे प्रधानमंत्री भी स्वयं हैं। जहां तक कि महिला को दुष्कर्म के बाद न्याय दिलवाने का उसे रिहैबिलिटेट करने के प्रयासों का उल्लेख करना मैं जरूरी समझती हूँ। आप सब कोई ना कोई महिला संगठन से जुड़ी हुई इसलिए वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर के संदर्भ में ज्यादा से ज्यादा महिलाओं से अगर आप चर्चा करें, साथ ही जीरो FIR कैसे फाइल करना उसके बारे में अगर आप चर्चा करें, तीसरा आप महिला के कानूनी अधिकार और विशेषता ऐसे सारे जो हम क्राइम का अगर बैकग्राउंड पढ़ते हैं तो जानते हैं कि छेड़खानी से बातें शुरू होती हैं और बहुत हीनियस क्राइम तक पहुंच जाती है। पेरेंट्स के नाते, सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते अगर हमें लगता है कि किसी एक इलाके में शाम को या दिन के किसी समय महिलाओं के साथ छेड़खानी होती है तो नजदीक के पुलिस स्टेशन को आप तुरंत आगाह करें और साथ ही आपका अगर कोई जनप्रतिनिधि है तो उनके ध्यान में भी इस बात को लाना चाहिए ताकि पुलिस और प्रशासन की मदद से महिलाओं की ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षा की व्यवस्थाओं को हम सुदृढ़ कर सकें। लेकिन परिवर्तन की शुरुआत परिवार में संस्कार देने से, इसलिए अगर हम सब ये स्वीकार करें कि घर में बेटा हो या बेटी दोनों को ही महिला और इंसान का सम्मान करना हम सिखाएं, अगर बेटे के मुंह से किसी भी महिला के लिए कोई अपशब्द निकले, साधारण वार्तालाप में भी उसे रोक कर उस वक्त हम लोग सही राह दिखाएं, तो मुझे लगता है अपनी ओर से साधारणता माँ होने के नाते हमारी ओर से महिला सुरक्षा के प्रति एक योगदान देते हुए।